हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। वेल, टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि के आज रात के एपिसोड की बात की जाए तो शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जो रंबा है वो काफी ज्यादा डरी सहमी हुई होगी और वो कह रही होगी कि जीजी आप कहाँ चले गई, मुझे छोड़ कर आप जल्दी से आ जाइए। यहाँ पर पार्वती दिखाया जाएगा कि कैसे स्पेशल संरक्षण नागमणि लेने के लिए जाएगी एक जगह और वहां पर कोई नहीं होगा सिवाय एक मम्मी और उसके ताबूत के। दामिनी यहाँ पर रंभा के कंधे पर हाथ रखेगी और जैसे ही रंभा उसे देखेगी वो शॉक में आ जाएगी कि वो जिंदा है और कहेगी कि अरे जीजी आप तो जिंदा हैं, मैं तो इतना डर गई थी आपको जिंदा देख के, बहुत खुशी हो रही है। इधर दामिनी पूछेगी कि सब यहाँ दिख रही है लेकिन पार्वती नहीं है। तभी वो कहती है कि हो सकता है वो कोचिंग गई हो बच्चों को पढ़ाने। तभी दामिनी कहती है ये एकदम सही मौका है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इधर दिखाया जाएगा कि दामिनी को यहाँ पर हराने के लिए पार्वती अपने तहे दिल से यहाँ पर प्रार्थना करती है संरक्षण नागमणि को हासिल करने के लिए और वो कहती है कि आप प्लीज मुझे एक्सेप्ट करिए और मुझे वो संरक्षण नागमणि दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे सामने प्रकट होइए। यहाँ दिखाया जाएगा कि जो दामिनी जैसी दिखने वाली मम्मी आपने देखी थी वो असल में जादू है और अपकमिंग फैक्ट में आप देखेंगे कि कैसे वो मम्मी एकदम हवा में उड़ जाती है और पार्वती देख कर के घबरा जाती है। तभी वो देखती है कि उस जो मम्मी है उसमें से जो बाहर निकली है राजकुमारी उस एरिया की इंद्र जात की रानी, वो दामिनी जैसी शक्ल की है और दामिनी को अपने सामने अलग रूप में देख करके पार्वती काफी ज्यादा शौक हो जाने वाली है। वो कहेगी कि दामिनी तुम, तभी यहाँ पर वो उसे क्लियर करती हुई नजर आएगी कि दरअसल मैं हूँ इंद्रजात की रानी और मैंने तुम्हारी सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे कड़ी दुश्मन का ही भेस लिया है ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ कि तुम कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो अपने दुश्मन को हराने में, क्योंकि मैं अपनी मनी ऐसे ही किसी को नहीं दूंगी। तभी पार्वती कहती है कि ठीक है, आपको अपने आप को साबित करने के लिए मुझे जो भी चुनौती आप देंगी मुझे मंजूर है। तभी वो अपना आधा नागिन वाला रूप ले लेती है। इधर दिखाया जाएगा कि देखते ही देखते जो इंद्रजात की रानी है वो यहाँ पर एक बुल यानी कि सांड को पैदा करती है अपने जादू से और तभी वो पार्वती से लड़वाने के लिए उसे कहती है और इसी बीच में वो एक जादुई डोरी लाती है और पार्वती के गले में लपेट देती है और अपने हाथ से उसे खींचती है और एक तरफ तो वो खींचती है उसका गला, दूसरी तरफ वो बुल होता है जो पार्वती को अटैक करता है। तभी पार्वती जब भोलेनाथ बोल कर पहले तो अपने गले का फंदा तोड़ती है, उसके बाद वो उस बुल को सींग से पकड़ करके पछाड़ देती है और देखते ही देखते ये दोनों गायब हो जाते हैं। इधर शिवाय फैमिली टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होगा, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठा होगा। तभी यहाँ पर कहेगा उसका भाई कि अरे भैया सबसे बड़े फैन तो हम हैं आपके, आपने तो हमारे लिए गाना तक नहीं गाया, चलिए अब हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे लिए कोई गाना गाइए। तभी रंभा यहाँ पर दामिनी के इशारों पर जाती है घर वालों के पास और उससे इशारे से कहती है हर काम आप मुझसे क्यों करवाती हैं, आप भी तो कर सकती हैं। तभी दामिनी कहती है एक बार बताओ तुम यहाँ पर मेरा काम करोगी या नहीं करोगी या फिर मैं दूसरी उंगली से घी निकालूं। तभी रंभा डर जाती है और वो घर वालों के सामने कहती है हाँ हाँ मैं भी सुनूंगी शिवाय का गाना। तभी यहाँ पर श्रेया कहती है कि देखो अब तो ये भी बोल रही है रंभा चाची भी कि उन्हें भी भैया आपका गाना सुनना है, तब ज्यादा देर ना करते अब गाना गाइए। तभी यहाँ पर वो एक्टिंग करती है और ऐसा दिखाती है सबको कि उसके अंदर काली शक्तियाँ आ गई और कहती है मैं भी सुनूंगी ये गाना। ये देख करके सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अरे रंभा के अंदर एक बार फिर से काली शक्तियाँ आ गई हैं। ये देखकर वो अपने हाथ ऐसे चलाती है जैसे वो जादू कर रही हो और ऊपर खड़ी दामिनी जादू करती है घर वालों पर और सबको हिप्नोटाइज कर देती है। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे हर किसी की आंखें चमकने लगेंगी और हर किसी के हाथ में डंडे आ जाएंगे और वो डंडे से एक दूसरे को मारने पीटने लगेंगे जिसे देखकर शिवाय बहुत घबरा जाएगा। यानी कि दिखाया जाएगा सब पर जादू काम कर रहा है दामिनी का सिवाय शिवाय के। शिवाय कहेगा कि अरे ये क्या कर रही है आप, आखिर आपको क्या चाहिए। तभी शिवाय यहाँ पर कहता है कि ये सब कुछ हटाइए आप, आपको जो चाहिए मुझे बताइए। तभी यहाँ पर रंभा कहती है एक्टिंग करते हुए जैसे उसके अंदर काली शक्तियां हैं मुझे मनी चाहिए।
ओ यहाँ पर वो कहता है शिवाय, ओ मतलब आपको पैसे चाहिए, ठीक है बोलो कितने पैसे चाहिए, आप जितने पैसे चाहेंगी उतने मिल जाएंगे, लेकिन मेरे घर वालों को छोड़ दीजिए। तभी रब्बा चिल्लाती है और कहती है मुझे पैसे नहीं मनी चाहिए जिससे तुम जादू करते हो। और ये देख कर के पार्वती नहीं है घर पर और शिवाय इतने ज्यादा प्रेशर में है, यहाँ पर दामिनी बहुत स्माइल करती है। इधर दिखाया जाएगा कि पार्वती काफी ज्यादा घबराई हुई होगी और वो कहेगी कि कहाँ है आप, कहाँ है मुझे, आप नजर नहीं आ रही हैं। इंद्रजात की रानी बताइए क्या मेरी परीक्षा पूर्ण हुई या अभी भी आप मुझे टेस्ट करना चाहती हैं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अदृश्य एक तीर उड़ते हुए आएगा और पार्वती के कंधे पर चुप जाएगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे दामिनी को सोच सोच करके काफी ज्यादा गुस्सा आता है पार्वती को, क्योंकि उसके सामने इंद्रजात की रानी ने दामिनी का ही रूप लिया है। तभी पार्वती से वो कहती है पारो, और तभी उसका जो असली रूप है वो उसमें आ जाती है, यानी कि पार्वती से बदल कर जो पारो का रूप है उसमें आ जाती है आपकी प्यारी पार्वती। इधर दिखाया जाएगा कि सबके गले में धीरे धीरे करके फांसी का फंदा अपने आप ये लोग पहनने लगते हैं और सभी लोग के हाथ अपने आप बन जाते हैं और सभी फांसी लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे देख कर शिवाय कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आखिर ये सब क्या है, रोकिए इसको। तभी यहाँ पर कहती है रंबा अगर तुम इन सब की जान बचाना चाहते हो, ये सब रोकना चाहते हो, तो तुम्हें 10 बार शैतान का जाप करना होगा जिससे तुम अपवित्र हो जाओगे। और ये सुनकर के शिवाय काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो करे तो क्या करे। एक तरफ उससे नागमणि मांगी जा रही है, दूसरी तरफ उसका परिवार खतरे में है, तीसरी तरफ उससे शैतान का जाप भी करवाया जा रहा है। इधर दिखाया जाएगा कि इंद्रजात की पारी कहती हुई नजर आएगी कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से नागमणि दे दूंगी अपनी, तुम तो मेरे सामने भी नहीं टिक पाए, तुम तो क्या ही लड़ोगी अपनी नागमणि के लिए किसी और से, इसीलिए अब तुम्हें सजा मैं दूंगी, क्योंकि यहाँ पर आते तो तुम हो, अगर तुम जीत जाती तो तुम नागमणि के साथ जाती, लेकिन अब तुम हारोगी तो तुम यहाँ मेरे हिसाब से रहोगी। और यहाँ पर पार्वती को वो आखिरी बार करती है, लेकिन इस बार उसकी जान नहीं देती बल्कि जो मम्मी की पट्टियां होती हैं उसमें पार्वती को लपेट देती है, और वो लपेटते लपेटते एक ताबूत में पार्वती को कैद कर देती है। यहाँ दिखाया जाएगा कि शिवाय काफी ज्यादा टेंशन में होगा कि आखिर वो क्या करे क्या ना करे, वो नागमणि दे दे क्या, वो 10 बार शैतान का नाम ले ले, क्या करे वो क्या ना करे, ऐसे ही डिलेमा में आप सबको नजर आने वाला है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि ना जाने अब शो की कहानी में क्या होगा। वेल फिलहाल तो ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।